अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अभी मैं जा रही हूँ जैद के साथ, कुछ चीज़ें लेनी थी घर की। आज सारा दिन हम लोग बहुत बिजी रहे हैं और चीज़ें इंशाल्लाह साथ साथ लेती जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। बस मैंने कहा थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ, और आज अब्बू की थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, उनको पूछने के लिए जाना है, और आगे भाई की, मेरे भतीजे की क्योंकि बर्थडे भी है, तो मेरा दिल है मैं अपना कोई ड्रेस भी ले लूँ। और देखिए अल्लाह खैर करे, अब निकली तो हूँ, काफ़ी लिस्ट बना के, तो कौन कौन से काम जो हैं आज पूरे होते हैं। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, घर से निकलते हैं मुझे, क्योंकि 7 o'clock हो चुके थे और सिर्फ शॉप्स बंद होने में 1 घंटा रह गया था। तो सबसे पहले मैं डेकोरेशन की शॉप में गई, जहाँ से मुझे ग्रीन प्लांट्स चाहिए थे, वो मैंने लिए वहाँ से। और बस आपको पता है, इतनी आपको वैरायटी अपनी पसंद की चीज़ तो नहीं मिलती, बट आपने जल्दी जल्दी बस मुझे सही लगे थे, आपके बहुत अच्छे लगे वो नहीं थे, बस मुझे जो मिल गई चीज़ मैंने वो ले ली। बार घर जाके आपको डिटेल्स बताती हूँ इसकी, और काफ़ी पैसे, अच्छा सारी कीमतें आपको बताऊँगी आज चीज़ों की। आप लोग बार बार पूछते हैं तो सारी आज प्राइसेस जो है अंदर बता या मैंने वीडियो के अंदर, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ मैंने ली है। और इसके बाद मैं सीधी ईडन रॉप पहुंची, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट्स रह गए थे इवन के, जब मैंने एक ही 2 पीस लिया। मैं कहती हूँ मैंने 5 मिनट भी शॉप में नहीं थे लगाए, लेकिन इस टाइम ना उन्होंने जो डोर्स वगैरह थे साइड के वो क्लोज़ करने शुरू कर दिए थे, और यहाँ से मैं अब्बू के घर गई। फिर अब्बू अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सारे उनके बच्चे ना आके उनके पास बैठे हुए थे। जहांगीर भाई भी आ गए थे बुलवाल से, और हम सारे काफ़ी देर अब्बू के पास बैठे रहे, और उनके यहाँ लाइट नहीं थी। मतलब गर्मी ने आजकल ये हाल किया हुआ है, गर्मी और ऊपर से लाइट ने भी तंग किया हुआ है। अल्लाह माफ़ी दे, आजकल तो बहुत गर्मी है, अल्लाह बस खैर करे कि बस ये खैरियत से दिन गुजर जाए सारे। और अल्लाह का शुक्र है बब्बू की भी तबीयत काफ़ी सही है, और बस ये आज शॉपिंग हुई है, और अल्लाह का शुक्र है जो सारे सोलर पैनल्स का काम था वो भी हो गया। ना सिर्फ मुझे कॉल आई कि जल्दी आ जाओ, उन्होंने जाना है, और चाय वगैरह तो मैं उनको बना के दे के गई थी, बट अभी मैं पहुंची हूँ तो वो सारे काम करके ना चले गए थे। मुझे दिखाओ ना जैन, मैं ना साथ साथ आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट व्लॉग पता नहीं कब बने, चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे लग जाती हैं और मुझे आप लोगों को ना दिखानी नहीं याद रहती। मामा वो जो शरबत बनाए थे वो भी ले आओ, जल्दी से ले आओ, क्योंकि ना ठंडे पानी की बोतल भी ले आना। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने ईडन रॉक पे 30% ऑफ थी, ये मैंने 2 पीस जो है ये लिया, एक शर्ट है ये, और अच्छा इसमें मीडियम साइज है देख सकते हैं आप, थोड़ी सी लूज नहीं है बट अच्छा है। अभी मेरा दिल है कि आगे भतीजे की बर्थडे भी है, जो मेरे जहांगीर भाई हैं उनके बेटे की, और ये साथ में दुपट्टा है, तो सर मुझे थोड़ा पता है पिंक और ये ब्लैक वैसे भी अच्छा लगता है, बट देखिए आप पता नहीं ये उस दिन पहना जाता है या नहीं। एक मैंने जनाब ये वाला लिया 2 पीस, और थैंक यू सर। और ये जो शरबत आप लोग देख रहे हैं ना, ये बैलगरी का है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे गर्मी में जितनी लू होती है ना, सख्त गर्मी आजकल, जिस तरह बच्चे आपके जा रहे हैं स्कूल, तो उसके लिए ये बोल, मैं इस तरह की बॉटल्स जो है ये बना के फ्रिज में रख देती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है तब जाके ना ये गर्मी का सीजन जो है ये हमारा गुजर है। अब मैं ये पी लूँ, मैंने ना जब ये असल में बनाया था शाम को, तो मैंने आप लोगों के लिए शूटिंग कर ली थी, तो उस टाइम तो मेरे नेल्स भी थे पूरे लगे हुए, तो आप लोग ना इसकी रेसिपी देख लें, तो फिर इंशाल्लाह बाकी की शॉपिंग और बातें आप लोगों से करते हैं, ठीक है? अच्छा, जब सख्त लू के दिन हो ना और सख्त गर्मी हो, तो आज जो मैं आपको ड्रिंक बता रही हूँ ना, वो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, वो बल्कि पुराने जमाने से एक इलाज किया जा रहा है, ठीक है? ये आयुर्वेदिक आप मेडिसिन कह सकते हैं, ये है जनाब बेल फ्रूट पाउडर है मेरे पास, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसके जो डिफरेंट नेम है ना वो मैं लिख देती हूँ ऊपर, आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे ये। और ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी में जो लू सख्त चल रही होती है ना, जिन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये आपके जिस्म को गर्मी से बचाता है। अच्छा, जो गर्मी की वजह से एकदम से बच्चों का पेट खराब हो जाता है ना, वो इससे बिल्कुल आपका नहीं होगा, अगर आप बच्चों की डाइट में ये यूज़ करेंगे। अच्छा, पाउडर देखने में इस तरह का है, साफ और नेचुरल होता है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। गर्मी की वजह से जो बच्चों का एकदम से पेट जिस तरह लूज मोशन से शुरू हो जाते हैं ना, वो इससे बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, एक तो इसकी तासीर जो है ठंडी है और साथ ही खुश्क है, यानी कि ठंड से आपके जिस्म को ठंडक पहुंचती है, लू और गर्मी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मैंने चीनी की जगह, आपने मीठा जो ऐड करना है उसकी जगह मैंने शक्कर ऐड की है, ठीक है?
जैगरी जिसको बोलते हैं, और साथ आपने इसे लेमन जूस अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐड कर लें, नहीं तो ये बस शक्कर के साथ ही ऐड करके मैं 2 स्पून जो है वो लेमन जूस के इसमें ऐड कर लूँगी। ठीक है, आप अगर सॉल्ट ऐड करते हैं आपको अच्छा लगता है तो करें, नहीं तो मेरे घर में नहीं यूज़ होता। और बस अब इसे पानी के साथ ना मैंने बस इसी स्पून के साथ इसको मिक्स कर लूँगी और इसको ना आपने मिक्स करके रख लेंगे। अच्छा, वैसे जो इतनी क्वांटिटी बनती है ना, इसमें कम से कम आपने 1 पूरा स्पून जो है ना वो भर के इसका डालना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई है, दिल आपका घबरा रहा है, या बच्चे अगर स्कूल से आ रहे हैं तो 1 स्पून बड़ा वाला भर के इसके अंदर डालें। लेकिन मैं क्योंकि रोज़ाना बना रही होती हूँ, ठीक है, तो मैं तो इस तरह रखती हूँ कि बस ये आप कह सकते हैं ना कि अगर साथ साथ आप कोई चीज़ रखते हो ना तो आपको फिर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। अब ये मैं बना के फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद अगर बच्चे आपके गर्मी की मतलब ज़्यादा गर्मी होने लगती है और वो खाना पीना छोड़ देते हैं ना, तो हर हाल में ये गोंद कतीरा उनकी डाइट में ऐड करते हैं। अब उमेर सुबह कॉलेज जाता है रोज़ाना, तो उसको मैं ज़रूर ये हाफ बॉल इसे खिलाती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी होती है। आपको पता है कि कॉलेजेस और स्कूल में एकदम से बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है। ये भी आपको सेम पेज से मिल जाएगा, लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, ये आप पढ़ लें यहाँ से। ये कूलिंग एजेंट है, ठीक है, आपकी बॉडी के जितनी अंदर गर्मी है ना उसके असर को उसको ये ठंडा करता है। अच्छा, एक और बात, अब जो मदर्स हैं ना वो कहती हैं कि हमारे बच्चे अभी स्कूल से आते हैं तो वो ये नहीं पीते। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैं अपने बच्चों को इस तरह दिया करती थी ना तो मैं क्या करती थी, अब ये वाला जिस तरह जूस है ना इसी के अंदर अब इतना मैं बना के ना, तो थोड़ा सा जिस तरह ये दूसरे जूसेज आपको मिलते हैं ना, अब थोड़ा सा हाफ कप भी अगर मिक्स कर देंगे ना तो बच्चों को इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, तो वो कम से कम उनको पानी और ये अच्छी चीज़ उनके पेट में चली जाती है। तो बच्चों को पता है भाने भुने से खिलाना होता है, तो आप इस तरह भी खिला सकते हैं। ठीक है, आई होप के कुछ समझ आ गई होगी। ज़रूर बच्चों को एक दफ़ा देना है अगर आपकी बच्चों को गर्मी की शिकायत है, उनका स्टमक ख़राब हो जाता है जल्दी से और वो लू लगने का है, तो फिर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, वैसे लोगों को पता होगा। और दूसरा, अगर आपको नहीं पता तो मैं नेम साथ लिख रही हूँ, ठीक है, इस नेम से ना आप यूट्यूब पे सर्च करके ज़रा इसके बेनिफिट्स देखें, आपको जब डिटेल पता चलेगी तो आप ज़रूर ऑर्डर करेंगे। ठीक है, और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज ये पीरियड था तब ऊपर काम हुआ था लेकिन नहीं होना था। ऐसे ही है, जितनी भी सख्त गर्मी होगी ना उसमें ये इतनी इसकी तासीर ही बहुत ठंडी है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ये 3 ब्रांचेस ली हैं, ठीक है, ये रोज बट हैं, ये डिफरेंट कलर्स की, अपने रूम के लिए ली हैं। इंशाल्लाह मैं लगा के ना आप लोगों को फाइनल जो है वो साथ ही क्लिप चला रही हूँ कि कैसे लग रहे। निशान कितने की थी ये? 450 की। हाँ जी, ईक जो है ये 450 की थी, 3 ये मैंने ली। मैं उधर रखते दो, मैं साथ साथ आपको प्राइजेस बताती जाऊंगी क्योंकि आप लोग फिर पूछते हैं आपकी क्या प्राइस है, क्या प्राइस है। अच्छा, ये ना मैंने बाय जो हमारी परमानेंट सीटिंग है ना उसके लिए मैंने थोड़ा क्योंकि ग्रीनरी करनी थी, ये सारी प्लास्टिक की है लेकिन ये आपको ओरिजिनल ग्रास की लगेंगी और जब ये सेट होके लगेंगी ना फिर आप लोग देखिएगा। और ये जनाब है ये 6 ब्रांचेज बनती है, 6, ठीक है। और ईच जो है ये कितने की थी? 350 की थी। वो भाई साहब कह रहे थे कि 450 की, बट शाम का सामने पता है जब इतनी ज्यादा चीजें लेनी हो। और 6 जो है वो ब्रांचेस ये नहीं है, इसके ऊपर येलो ये छोटे छोटे से हैं जो कि थोड़ा दूर से ना आपको थोड़ा मतलब ओरिजिनल फ्लावर्स जो होते हैं ना उनका ये अल्यूजन देते हैं, ये इसमें ऐड करके तो थोड़ा सेटअप करेंगे। और ये भी मैंने 6 ली है। ये कितने की थी शाम? 250 की। ये 250 की ईच है, 6 मैंने ये ली, 6 वो ली, 350 वाली और 350 की ये मैंने 6 ली। अभी कुछ प्लांट्स जो हैं वो ऑलरेडी बाहर हैं। अब ये देखें ना ये बिल्कुल थोड़ा दूर से ना रियल लगते हैं लेकिन ये प्लास्टिक के हैं, मतलब 12 मंथ्स कोई मसला नहीं होता सर्दी गर्मी में इनको, और आराम से आप जो है ना इन्हें पाइप से पानी से बस धो लें और मसला हल, मतलब वॉशेबल है तो वो कोई मसला नहीं होता। 6 ये लिए मैंने वहाँ से, और साथ में ये शाम ने अपने वॉशरूम के स्लैब के लिए वाइट कलर क्योंकि उसका है तो ये उसने दी। ये शाम कितने की थी? 250 की थी। अच्छा चीज़ें, मैंने अभी डाइनिंग टेबल की शीट लेनी थी और मैं यकीन करें गई डाइनिंग टेबल की शीट और हैंगर्स के लिए थी, वो नहीं लिए। हाँ ये प्लांट्स भी मैंने लेने थे बट वो मैंने लिए नहीं लिए। अच्छा, इसके बाद मुझे जो अच्छे लगे ना वो ये बाथरूम सेट्स, ये आप देखें, ये मेरे हाँ ये उजैर के वॉशरूम का, ये उजैर दिखाएगा आपको। वैसे तो लिक्विड हैंड्स सोप थे हमारे पंप वाले डिटॉल के, लेकिन ये नई एडिशन आ गई है, ये थोड़ी वुडन टेक्सचर में है, एनग्रेविंग्स में
ये सारा मार्बल है। ये डिश सोप के लिए, ये सोप के लिए डिश, ये टूथब्रश के लिए, यहाँ पे टूथपेस्ट आपका है, टूथब्रश होल्डर, टूथब्रश होल्डर, एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्ब, ये कॉम्ब्स एक्सेसरीज के, छोटी कॉम्ब्स, सीजर्स और दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और ये मैंने उमेर के बाथरूम के लिए लिया ये वाला सेट, क्योंकि उसकी ना टाइल्स जो है वो बार ना, इतनी कलर्स की ऑप्शन भी नहीं थी। अच्छा, ये जो ईच सेट है ना, ये वो दे रहे थे भाई 2400 का, बट तीनों जो है ना वो 2100 का, मतलब ईच मैंने लिया है। काफी मुझे अच्छे लगे हैं, घर आके भी कहो ना कि एक चीज अच्छी लगे तो वो ज्यादा अच्छी शॉपिंग होती है। ये देखिए, ठीक है, शाम का माशाल्लाह चीज जो है वो वाइट ही है वॉशरूम की, तो वाइट और ग्रे की थीम है, तो ये उनके पास यही था, तो अच्छा है। बस चलिए, जितना अरसा चलता है चल जाए, फिर वैसे ही बंदा बोर हो जाता है, चीजें तो चेंज करनी होती है, चलो उतना चल जाए, अच्छा है बस, ठीक है। ये होल्डर्स, असल में तो मुझे ये वाली चीजें चाहिए थी, क्योंकि मुझे ये अच्छी नहीं थी मेरी कहीं से। चले जी, आज यही एक वन आवर था सिर्फ हमारे पास ये काम करने के लिए, और फिर मैंने अब्बू का भी पूछने के लिए जाना था। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू की अब से ठीक है। एंड बस जितनी गर्मी आजकल आई हुई है और साथ ही बच्चों की स्कूलिंग है ना, अल्लाह करे कि बस वो खैरियत से हो जाए। आप यकीन करें, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि आज मैं सुबह उठी थी ना, मुझे इतने चक्कर आ रहे थे ना कि आज का दिन बस खैरियत से गुजर जाए किसी तरह, क्योंकि इतने काम थे, घर का भी, मेरी हेल्पर भी नहीं थी आई, ऊपर से हमारी सोलर पैनल की फिटिंग हो रही थी, कोई वो 9-8-9 बंदों की टीम थी जो ऊपर लगी हुई थी, उनकी चाय पानी ठंडा पानी हर चीज बना कर देना, घर का देखना। मैंने 2 वीडियोस भी, इसकी भी थोड़ी एडिटिंग में हेल्प की, अपनी वीडियो भी अपलोड की, और उसके बाद ये सारा काम। लेकिन अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, बस घर में सुकून और सेहत होना और अल्लाह की मेहरबानी हो तो सारे काम बहुत ही आराम से हो जाते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह हर घर में ऐसी सुकून और बस रिस्क की फरामानी रखे। और आई होप के वीडियो आज की हेल्पफुल रही होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा या आपने एंजॉय की होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। अब मैं जाऊँगा बस जल्दी से, बच्चों को खाना शाना दे लूँ, फिर मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाहर लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेंशन कर दिए हैं चीज़ों के, आप लोगों ने जो भी चीज़ लेनी हो वहाँ से दे सकते हैं। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।